दोस्तों, भारत की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जब से तैयार हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, तभी से लगातार हमारी नई संसद कई देशों को खटकने लगी है। कभी सियोल को लेकर तो कभी भारत के अखंड नक्शे की वजह से वाद विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों तक सियोल काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन अब भारत के पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लगे हुए अखंड भारत के नक्शे ने सारी की सारी लाइमलाइट चुरा ली। पाकिस्तान का हमारे देश में लगे हुए इस अखंड भारत के नक्शे से बौखला जाना समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भारत के अखंड नक्शे के ऊपर विवादित बयान दिए हैं और ये भी कहा है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इस वजह से खराब हो सकते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर नेपाल की तरफ से भारत के पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगे हुए इस अखंड भारत के नक्शे का किस तरह से विरोध किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगे हुए उस अखंड भारत के नक्शे की तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें नेपाल को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है और उसमें मौजूद कपिलवस्तु और लुम्बिनी नेपाल के काफी बड़े धार्मिक है जिनका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जो कि भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद ये नेपाल का हिस्सा बन गया। और ये सारा का सारा विरोध कपिलवस्तु लुम्बिनी के ऊपर ही छिड़ा हुआ है। बाबूराम भट्टराई, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से भारत को धमकी देते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है कि अखंड भारत जो रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इनॉग्रेशन के दौरान देखा गया, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट रहा है और इसकी वजह से आने वाले वक्त में भारत और उसकी नेबरिंग कंट्री नेपाल के बीच खटास पैदा हो सकती है। वहीं नेपाल के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह बयान जारी किया है कि नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, उन्हें लुम्बिनी और कपिलवस्तु को अखंड भारत के नक्शे में शामिल होने का भारी विरोध करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब खुद उनका शासन था, तब उन्होंने भी एक नक्शा जारी किया था जिसमें उत्तराखंड के तीन हिस्से को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। क्या तब उन्हें भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्ते नजर नहीं आए? केपी शर्मा ओली तो पूरी तरीके से चीन के गुलाम बनते जा रहे थे और इसी वजह से चीन आज भी नेपाल के ऊपर दादागिरी कर रहा है, जिससे बचने के लिए इस वक्त नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री भारत से मदद मांगने के लिए और भारत के साथ एक बड़ा समझौता करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर भारत और नेपाल के बीच होने वाले इस बड़े समझौते को लेकर ही है। चलिए इस खबर के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। चार दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इन दोनों देशों के बीच में ही काफी अहम बातचीत बायलेटरल ट्रेड के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर होने वाली है। दरअसल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में बने एक हाईवे की तरह ही भारत अपने पड़ोसी मुल्कों को जोड़कर एक बहुत ही अहम हाईवे तैयार करना चाहता है। अभी तक दोनों ही देशों के बीच में एनर्जी सेक्टर को लेकर व्यापारिक समझौते लंबे समय से चल रहा है, जिसे अब भारत सरकार और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहती है और इसी के लिए फिलहाल भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। हालांकि नेपाल भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि इस वक्त नेपाल को चीन से भारी खतरा है। ऐसे में इकलौता भारत ही देश है जो इस वक्त चीन के आगे डटकर खड़ा हो सकता है। चीन लगातार भूटान को भी परेशान कर रहा था, लेकिन भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भारत ने ली है और ये बात जग जाहिर है कि किस तरह से भारत भूटान की संप्रभुता को हल्की सी भी ठेस चीन को पहुंचाने नहीं देता। भारत और भूटान के इसी संबंधों को देखते हुए अब नेपाल भी अपने रिश्तों को भारत के साथ मजबूत करना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे देश पहुंचे हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों को जोड़ते हुए एक ऐसा हाईवे बनाया जाएगा जैसा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच में है। सिर्फ ये हाईवे ही नहीं बल्कि ऑयल सप्लाई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ धार्मिक कनेक्शन, जो कि दो देशों के बीच में साझा है, उसे भी मजबूत किया जाएगा, जिसको लेकर नेपाल और भारत की मुलाकात काफी खास होने वाली है। अगर इस तरह के हाईवे को बनाया जाएगा तो भारत से ज्यादा टूरिस्ट नेपाल आएंगे और जो रिसोर्सेज भारत नेपाल को सप्लाई कर रहा है, उनके बेसिस पर वहां से भी जो बायलेटरल ट्रेड के चलते भारत आएगा, उससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। यानी कि चीन से परेशान नेपाल भारत की तरफ उम्मीदें लेकर आया हुआ है, जो उसके देश को न कि सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करेगा बल्कि चीन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती भी देगा। नेपाल और भारत के बीच में होने वाला यह समझौता नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों की चालबाजियों के ऊपर पूरी तरीके से पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत और नेपाल दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे ऐसे बयान दे रहे हैं, वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी डील करने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत ने कभी किसी देश की संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचाई है और ये सारे बयान जो भारत के खिलाफ दिए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। दोस्तों, भारत और नेपाल के इस रिश्ते के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही नेपाल के इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन
बटन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।